नमस्कार, भारत माता की जय। हमें और पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी चुनौती है कि जो कचरा निकल रहा है उसको हम कैसे यूज़ करें जिससे कि हमारा देश और विश्व एक साफ सुथरा बना रहे। एक कचरे का बहुत बड़ा भाग है हमारे घर में प्रतिदिन निकलने वाला, पूजा के माध्यम से जो एक कचरा निकलता है, एक ये बहुत बड़ा कचरा है और इसमें एक हमारी आस्था भी बनी हुई है। और इस कचरे को हम लोग तालाब, नदियाँ, कुएं में जाके सिराते हैं, जिससे कि हम लोग नदी तालाबों को भी गंदा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप और हम सभी लोग मिलकर कम से कम जो मतलब घर के पूजा पाठ करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कितनी खुशी से हम लोग ईश्वर को समर्पित करते हैं और दीपक लगाते हैं और हर एक घर में एक दीपक लगता है। सपोज करो कि पर डे हमारे दीपक के माध्यम से जो एक बाती, जब दीपक बुझ जाता है, जो बाती निकलती है उससे कितना कचरा होता है। वो दीपक की बाती को हम लोग इधर उधर नहीं डालते हैं, सभी लोग नदी तालाब कुएं में डाल देते हैं। मैं चाहूँगा कि हम नदी तालाबों को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, तो हम सभी को मिलकर इस कचरे को रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि हम लोग इसको खाद्य के रूप में बना सकें। मैं ज़्यादा, मेरी नॉलेज नहीं है, जितना नॉलेज है उस हिसाब से आप देख सकते हैं बाती के कचरा, हवन के कचरा और साथ ही साथ हमारे सूखी पत्तियों का कचरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मैं कचरा इकट्ठा करता जा रहा हूँ, जब ये भरा जाएगा तो उसमें मैं इस प्रकार से, अभी जो लास्ट मंथ में मैंने इसमें लगाया था, ये आप देखिए, आप देख सकते हैं जो गणेश जी भगवान शंकर जी को जो प्रिय हैं दूबा, वो लगा रखी है। आप बड़े रूप में देख सकते हैं दूबा का, इसमें भी पूरे ये पूरा फिल हो गया था भगवान के पुष्प से, आपकी बाती से, उसमें मैं डाल के और मिट्टी डालकर इसमें ये लगा। अब मैं शंकर जी और गणेश जी आने वाले हैं, उनको दूबा इससे समर्पित करूँगा। आप कितना अच्छा लग रहा है, इसके पास बैठ नहीं पाते थे, इतनी बदबू आती थी, लेकिन अब देखिए, आप देख सकते हैं हरी कंचन, और हम अब भगवान को समर्पित करेंगे इसी को, हमारे माध्यम से बनाई गई दुर्गा को। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तीसरी बाल्टी में जो है, इसमें भी हवन सामग्री का मेरे अपसेट्स जो बचे थे उसको इकट्ठा करके मैंने लगा। और आप पीछे देख सकते हैं उसमें पुष्प लगे हुए हैं, रोज़ प्रतिदिन पुष्प शंकर जी को जाते हैं, गणेश जी को जाते हैं, जो भी जिसको भी अर्पित करना है। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी मिलकर इसी प्रकार कचरे का व्यवस्थित करें, और खासकर हिंदू धर्म में जो भगवान पर अर्पित की गई चीज़ों को नदी कुएं तालाबों में न डालें, गंदा न करें, उनको सही जगह यूज़ करें, किसी दूसरे के पैरों में ना पड़े, ये आप कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और आप भी एक वीडियो बनाएं, शेयर करें। भारत माता की जय।